सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से वैकेंसी आई हो। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उस घंटे को दबाएँ ताकि हमारी वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले आए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2017 फॉर 106 फॉरेस्ट ऑफिसर एंड असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर पोस्ट की आई भी है। अगर मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये फॉर्म टाइप ऑनलाइन है। लास्ट डेट इसे कब तक अप्लाई कर सकते हैं वो है 8 जनवरी 2018। टोटल वैकेंसीज 108 आई हुई है। कंपनी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। लोकेशन ऑल इंडिया, जॉब्स एमपी गवर्नमेंट जॉब्स। जॉब की डिग्री डिपार्टमेंट सरकारी नौकरी है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो मांगी गई है वो है BE BCA BSc बीटेक इंजीनियर्स ग्रेजुएशन। अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन योग्यता मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस की बात बता दूँ तो एप्लीकेशन तो लास्ट डेट आप इसे अप्लाई कर सकते हैं वो है 8 जनवरी 2018। लास्ट डेट आप एग्जाम के फीस कब से पे कर सकते हैं वो है 8 जनवरी 2018। लास्ट डेट अगर आपकी फॉर्म गलत हो गई है तो आप उसका करेक्शन कब तक कर सकते हैं वो है 10 जनवरी 2018। एग्जाम डेट कब होंगी तो 18 फरवरी 2018 को प्रिलिमिनरी हो सकती है। एडमिट कार्ड कब से आ जाएंगी तो फरवरी 2018 को अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस की बता दूँ तो जनरल और अदर स्टेट के बच्चे को 540 रुपये लगेगा। ओबीसी एसटी और एससी के लिए यहाँ पे 290 रुपये रखा गया है। करेक्शन चार्ज अगर आपकी फॉर्म गलती हो जाती है और आप इसे सुधार करते हैं तो आपको 50 रुपये लगेगा। इंक्लूड पोर्टल चार्ज 40 रुपये है। आपको ये जो पेमेंट करना है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल की बात बता दूँ तो यहाँ असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपको अगर वैकेंसी अनरिजर्व्ड की यहाँ पे 3 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, टोटल 6 पोस्ट है। उसके बाद नीचे फॉरेस्ट रेंजर फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम की है। यहाँ पे आपके लिए अनरिजर्व के लिए 72 है, ओबीसी के लिए 19 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 5 है। और इसकी मैं आपको पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से अच्छे से जाके यहाँ पे एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है आप एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात बता दूँ तो सिलेक्शन में भी बेस्ड ऑन प्रीलिमिनरी एग्जाम हो सकती है, मेन एग्जाम हो सकती है, इंटरव्यू हो सकती हैं। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे जाके क्लिक हियर पे अप्लाई ऑनलाइन करके बता दूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अब साइट ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आई डिक्लेयर, यहाँ पे आई एग्री करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आपको आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं आवेदित परीक्षा का नाम, तो आपको यहाँ पे या तो आप एक फॉर्म स्टेट सर्विस की भी आई हुई है इसकी, तो मैंने आपको उसकी भी बता दिया है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो साथ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब स्टेट सर्विस की अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसकी मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी और लिंक पे भी मैं आपको दे दूंगा, तो साथ में अप्लाई कर सकते हैं। और एक अगर अभी इसकी फॉरेस्ट सर्विस की करना है तो आपको इस पर सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पर अपना ये सिलेक्ट करना होगा जो भी है स्नातक। आपको यहाँ पर अपना स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम एक विषय चुने। आपको यहाँ पे अपना एक सब्जेक्ट चुनना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल डालना होगा, नाम, विवाह से संबंधित विवरण, इसके बाद अन्य विवरण। उसके बाद आपको यहाँ पे आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेवा का विवरण, वर्तमान पता, पत्राचार हेतु आपको सारा यहाँ पे डालना होगा, फोटो तथा हस्ताक्षर यहाँ डालना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद और भी कुछ डिटेल मांगी जाएगी, फिर आपकी पेमेंट ली जाएंगी। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ उस घंटे को दबाएँ ताकि हमारी वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले आए।